दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। जी देखिए, आजकल ना बहुत सारी फर्जी कॉल्स आ रही हैं, जिसमें कि आपकी जो आपके किसी रिलेटिव की, आपके किसी मतलब क्लोज रिलेटिव की जो है आवाज़ ना एकदम, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि आपको ये लगेगा कि जी जो वहाँ से कॉल कर रहा है, जो दूसरी तरफ से कॉल आ रही है, वो हूबहू आपके जो है जो नॉन लोग होते हैं उनकी आवाज़ से बिल्कुल मिल जाती है। तो वो लोग कॉल करते हैं कि जी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और आपका कोई हस्बैंड या कोई ऐसा कोई रिलेटिव जो है वो हमारे इधर इस केस में फंस गया है और उसको छुड़ाने के लिए जो आप इतने पैसे इसका अकाउंट में डाल दो। तो आदमी क्या करता है कि जल्दी जल्दबाजी में बगैर कुछ सोचे समझे जो है वो इमिडिएटली जो है पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ऐसे बहुत सारे मामले जो हैं हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी सब लोगों से यही भी वो है विनती है कि ये लोग जो है पहले कोई भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो उसको जो है पहले अच्छी तरह से वेरीफाई करें कि ये कॉल हमारे, हो सके तो बैक कॉल करके या अपने जिस रिलेटिव के नाम से जो कॉल आ रही है उनको फ़ोन करेंगे कि ऐसा कुछ आपको नीड है या नहीं है। अदरवाइज़ यही एक सॉल्यूशन है, बाकी जो पुलिस की कार्रवाई हो तो हम करते ही हैं। ये मामला किस तरह गया था सर? ये एक बड़ा पुलिस स्टेशन घुमारमी में का मामला है, उसमें जो है वो एक मतलब पुलिस अधिकारी बन के जो किसी ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे आपके लड़के को जो है भाई किसी इसमें चिट्टे के केस में पकड़ा हुआ है, तो आप इसको छुड़ाना है तो आप 40,000 रुपये वो इस अकाउंट में डाल दो। तो इस टाइप का मामला था, फिर उसने थोड़ी से थोड़ी जल्दबाजी कर ली जिससे कि वो उनके साथ ठगी हो गई। अब इसको हम कार्रवाई कर रहे हैं, चल रहा है मामला। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।